अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर वन फ्रैक्शन एंड डिवीजन, जो कि चैप्टर नंबर फोर की पहली वर्कशीट और लेसन नंबर वन से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन नंबर वन है, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सप्रेस ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन। हमने जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स हैं उन्हें फिल करना है और आंसर जो है वो फ्रैक्शन में, और एक्सप्रेस जो आंसर जो होगा उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करना है। तो सोल्व करते हैं इसे। इसका पार्ट है टू केक्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग फाइव चिल्ड्रन। ये देखें, टू केक्स बने हुए हैं जैसे कि सर्कल राउंड फॉर्म में, वो फाइव चिल्ड्रन को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि डिवाइड करके वो दे रहे हैं उन्हें इक्वली। की शेयर का मतलब होता है कि उसे डिवाइड कर देना उन पर। तो फाइव फाइव से उन्होंने देखें ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ केक डज ईच चिल्ड्रन गेट। तो कितने हिस्से जो हैं, यानी कि क्या फ्रैक्शन होगी कि जितने जितने वो बच्चे, यानी अगर देखें इस एक पीस इसका एक इसका, यानी टू टू पीसेस आएंगे हर। अगर फाइव फाइव हम इसके बनाते हैं, क्योंकि टेन पीसेस बना रहे हैं, तो फाइव टू था, टेन टू पे डिवाइड करें तो फाइव कब आता है, तो दो दो पीसेस जो हैं हर स्टूडेंट के, और हर जो बच्चा है जो चिल्ड्रन है उसके हिस्से में आ रहे हैं। तो इस तरह दो यानी कि गेट कर रहे हैं, यानी कि दो हिस्से उसे मिल रहे हैं। किस में से? फाइव के आउट ऑफ फाइव, तो टू आउट ऑफ फाइव हो गया, यानी कि एक के केल, यानी कि तो इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, टू डिवाइडेड बाय फाइव। तो ईच चिल्ड्रन गेट टू बाय फाइव ऑफ आ केक, एक केक के दो हिस्से, यानी कि वैसे तो उसे एक इसका भी सब पीस मिल रहा है, इसका पीस मिल रहा है, तो दोनों, यानी कि हम अगर हम एक के अकॉर्डिंग देखें तो यानी उसके दो पीसेस मिल रहे हैं एक चिल्ड्रन को। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसका बी पार्ट है, थ्री मीटर स्ट्रिंग इज कट इनटू फोर इक्वल पीसेस। एक थ्री मीटर की यानी कि वो स्ट्रिंग है, क्योंकि धागा है, इसको फोर इक्वल पीसेस में जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ स्ट्रिंग। तो हमने बताना है कि हर पीस की कितनी लेंथ होगी, टोटल कितनी है, थ्री मीटर, और थ्री के जो है थ्री मीटर के जो है उसे चार 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 हिस्से बना रहे हैं। तो नीचे उसने ये देखें हमें बता भी दिया कि उसकी वैल्यू क्या होगी, थ्री डिवाइडेड बाई फोर, यानी कि हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, थ्री बाई फोर। इस तरह ईच पीस ऑफ स्ट्रिंग इज थ्री बाई फोर मीटर लॉन्ग। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर वन का बी पार्ट कंप्लीट हो गया। और इसका अब सी पार्ट है, फरवा बॉज फाइव लीटर लेमन टी इक्वली इंटू टू बॉटल्स, हो मच लेमन टी वाज देयर इन ईच बॉटल। तो जो फरवा है वो उसके पास फाइव लीटर लेमन टी है और उसे दो बोटल में वो डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि हर जो यानी कि बोटल है उसमें कितना है जो है वो टी होगी, तो लेमन टी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, टी इन ईच बोटल इज इक्वल टू, टोटल कितने लीटर है, फाइव लीटर, ठीक है। तो फाइव लीटर टोटल है, तो कितने उसे पीसेज हैं, यानी कितनी बोटल में पोर कर रहे हैं वो, टू बोटल में, तो हम डिवाइड कर देंगे इसे टू पे, तो आ जाएगा फाइव डिवाइडेड बाय टू। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा, जिसमें न्यूमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है, डिनोमिनेटर नीचे जो होता है वो छोटा होता है। तो इसको हम मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो फाइव ये आ गया, टू बाई रखेंगे, टू टू द फोर, सब्ट्रैक्शन की वन आ गया, तो हम इसे लिख सकते हैं मिक्स नंबर में। इस तरह हम एरो लगा लेते हैं, उससे पहले टू होल वन बाय टू, इस तरह जैसे क्लॉकवाइज जिसकी डायरेक्शन होती है, टू होल वन बाय टू जो है लीटर, हर बोतल में कितने लीटर होगा, टू होल वन बाय टू लीटर जो है वो टी आ जाएगी। तो इसी तरह इसका डी पार्ट है, अ बीकर पुट 10 केजी ऑफ शुगर इक्वली इनटू 8 बैग्स, 10 केजी शुगर है और उसे आठ एट बैग्स में जो है उसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, हो मच शुगर इज़ देयर इन ईच बैग। तो यहाँ पे हम इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, शुगर इन ईच बैग इज इक्वल टू, टोटल कितने के जी है, 10 के जी, तो 10 को किस पे डिवाइड कर देंगे हम, कितने बैग्स में डिवाइड कर रहे हैं, 8 पे। तो अब हम नेक्स्ट इसे लिख सकते हैं 10 बाय 8, तो 2 पे कटिंग हो रही है, 2 5 द 10, 2 4 द 8, तो 5 बाय 4। अगेन जो है इस तरह ऊपर जो पार्ट 3 था उसमें मिक्स नंबर बन रहा था, तो इसमें भी हम मिक्स नंबर बना सकते हैं क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है। तो 5 इनसाइड रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 द 4, सब्ट्रैक्शन की 1 आ गया, 1 होल 1 बाय 4 जो है हमारा आंसर आ गया। ये एरो इसलिए लगाते हैं ताकि हम इजीली लिखने में, 1 होल जो क्वेश्चन
क्वेश्चन होता है उसे हम होल नंबर में लिखते हैं, रिमाइंडर को न्यूमिनेटर में, और जो डिवाइज़र होता है उससे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो साथ क्या आ जाएगा, केजी, यूनिट क्या आ रहा है, केजी। सारे स्टेप में भी लगा सकते हैं, एंड पे आगे भी लगा सकते हैं। तो इसके साथ ही डी पार्ट जो क्वेश्चन नंबर वन का है, वर्कशीट नंबर वन का चैप्टर नंबर है ये टू, फ्रैक्शंस कंप्लीट हो गया।